नजर इस खास खबर। जयपुर ग्रामीण से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान वीरों और जुबान के पक्के लोगों की धरती। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा में पहली चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने वर्षों तक ऐसा माहौल बनाया है कि राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी, भव्य राम मंदिर बना, दिए जले और आग भी नहीं लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण लोकसभा में अपने वाले कोटपुतली विधानसभा से राजस्थान में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। मोदी ने कहा कि 2019 में मैंने ढूंढार से ही अपने चुनावी सभा की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने अपना संबोधन राम 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 करके किया है। इसके बाद उन्होंने मारवाड़ को भावनात्मक रूप से कनेक्ट करने के लिए स्थानीय लोक देवताओं को नमन किया है। मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान से जुड़ी ERPC मुक्त राशन, किसान सम्मान निधि, वन रैंक वन पेंशन, हर घर नली जैसी योजनाओं का जिक्र तो किया ही, साथ ही आर्टिकल और राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया है। देव नारायण तेजाजी महाराज के चरणों में नमन। पीएम ने कहा कि मैं सामने जो दृश्य देख रहा हूं, राजस्थान की जनता जनार्दन का इतना बड़ा जनसैलाब, आपका यह उत्साह जोश 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं। जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले ही देखा जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे। पूरी दुनिया ने जयपुर का मियाद देखा है। साथियों, 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा डोडार से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है। मैं देख रहा हूं कि आप सबने भी निर्णय कर लिया है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। साथियों, भारत की सफलता के बीच मैंने कभी, हर देशवासी इस बात को भली भांति जानता है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि 10 साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। लेकिन ये भी सच है कि जो काम आजादी के बाद 5-6 दशकों में नहीं हो पाए, वो काम हमने करके दिखाए हैं। देश को जिस गति की जरूरत थी, हमने उस गति से काम किया है। 2014 तक देश में 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। आपको आंकड़ा याद रहेगा, 2014 तक 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। कितनी जरा बताएंगे, कितने किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? इतने आजादी के बाद इतने सालों में 20,000 किलोमीटर याद रहेगा। 10 वर्षों में मोदी ने 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों को बिजली से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। कांग्रेस ने दशकों तक केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। बीजेपी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा।
छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो मैं विशेष रूप से माताओं और बहनों को प्रणाम करता हूं। आपका ये आशीर्वाद, आपका ये उत्साह, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने सालों तक चलाया। अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, दिए जले आग नहीं लगी। तीन तलाक के खिलाफ हमने सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बेटियों की जिंदगी बचाने का काम किया। वन रैंक वन पेंशन लटका के रखे थे। मेरे वीर जवानों की वो मांग को भी बड़ी नम्रता के साथ आपके इस सेवक ने पूरी कर दी। दशकों से जिन फैसलों का इंतजार था वो मोदी ने पूरा करके दिखाए हैं। साथियों, और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है, अरे जरा आप तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है।